बिलासपुर जिला कब बना? 1861 ना। तो बिलासपुर के साथ साथ हम लोग गौरेला पिंडा मरवाही को भी आज कंप्लीट कर लेंगे। मुंगेली हो चुका है, हो गया। आगर नदी की सहायक अधिक आगर किसकी सहायक है? मनियारी किसकी है? कितना लंबाई है? याद आ रहा है? कुछ कुछ बता भी दिया था ना उस दिन, लेकिन फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कब बना बिलासपुर जिला? तो 1861 में छत्तीसगढ़ में कितने जिले बने? ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में 1861 के समय कितने जिले थे, तो आंसर 3 लगाना है, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। ठीक है, लेकिन वर्तमान में संबलपुर उड़ीसा में चला गया है, तो छत्तीसगढ़ में कितने जिले अभी? 1861 में। ठीक है, याद रहेगा। साथ ही बिलासपुर से कट करके क्या बन गया है? कब बन गया? 10 फरवरी 2000, ये भी याद रखना है। ठीक है, याद रहेगा। ये दोनों जिला अपन कवर करते चलेंगे। बिलासपुर जिला या बिलासपुर संभाग में जितने भी जिले आएंगे, कौन कौन सा जिला? मुंगेली, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़ और गौरेला पिंडरा, सबका मातृ जिला कौन सा है? तो बिलासपुर। याद रखना, याद रहेगा, याद करते चलना है। बिलासपुर जिले की अगर बात करें तो यहाँ आपको तहसील मिलेगा कितना? 8 तहसील। और गौरेला पिंडरा मरवाही की बात करें तो तहसील कितना? ठीक, 3 तहसील। याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा जी। मैप को देखते चलना है थोड़ा सा। ठीक है, हमको थोड़ा सा मुंगेली का काम पड़ेगा, इसलिए मुंगेली को ही बना लेते हैं। क्लियर, ये मुंगेली जिला हो गया। ये आपका और यहां से आपका गौरेला पिंडा मरवाही ऐसा कटेगा। ठीक है, तो ये गौरेला पिंडा मरवाही हो गया, ये आपका बिलासपुर हो गया, इधर आपका ऊपर कोरबा, नीचे जांजगीर चांपा, ऐसे ही है। ठीक है, तो पहले बिलासपुर जिला जो है वो भूआवेष्टित जिला नहीं था। भूआवेष्टित समझते हो, बता चुका हूँ, लेकिन अभी क्या है, ये इधर किससे लगा है? कोरबा से ऊपर। ठीक है, नीचे आपका यहाँ आएगा क्या? इधर मुंगेली, इसके नीचे ये और ये आपका इधर बलौदा बाजार से भी लगा है। याद आ रहा है? तो चारों ओर से ये क्या है, हमारे छत्तीसगढ़ के जिलों से घिरा है। तो ऐसा जिला जिसकी सीमाएं अपने ही राज्य के सीमाओं से लगी हो वो क्या कहलाएगा? भूआवेष्टित जिला। ठीक है, कुल संख्या वर्तमान में अभी कितना है? तो 10 है। अब धीरे से बढ़ेगा वो, ठीक है, क्योंकि नए जिले अभी बनने वाले हैं। क्लियर, याद रहेगा। तो बिलासपुर में हम बलौदा बाजार में हम सिमगा तक आ चुके थे, याद करो। सिमगा से एक नेशनल हाईवे चला जाएगा कहाँ? बिलासपुर चला जाएगा कहाँ? और बिलासपुर से कहाँ चलेंगे? कटघोरा, और कटघोरा से अंबिकापुर। ये NH क्या है, याद आ रहा है? NH 130। ठीक, अपन सिमगा तक आ चुके थे, सिमगा से बिलासपुर से कटघोरा और कटघोरा से NH 130, याद रखना, याद रहेगा। उसके बाद एक नेशनल हाईवे बिलासपुर से चला जाएगा जांजगीर चांपा कहाँ, और जांजगीर चांपा से NH 49, याद रखना, याद आ रहा है, याद आ रहा है। एक आपका बिलासपुर से नया नेशनल हाईवे आपका कहाँ? केवची, NH 45, याद आ रहा होगा, नया राष्ट्रीय राजमार्ग बना है। और बिलासपुर से गौरेला पिंडा मरवाही वाला एक स्टेट हाईवे जाएगा, ठीक है,
जो आपको इधर कहाँ चला जाएगा, बैकुंठपुर चला जाएगा, ठीक है, SH 8 याद है, ठीक है। तो कितने राष्ट्रीय राजमार्ग जा रहे हैं, एक आपका 130, एक आपका 49 45, ठीक है, और हाँ एक आपका यहाँ ये भी छूटा है, एक आपका बिलासपुर से मुंगेली और मुंगेली से NH क्या हो जाएगा ये, ठीक है। तो एक नेशनल हाईवे आपका 49, इधर आपका 130, इधर 45, इधर आपका 130, और एक स्टेट हाईवे SH 8 याद रखें, याद रहेगा जी। फिर सबसे पहले सिमगा से निकलेंगे, सबसे पहले तालागांव याद करते चलना है, सबसे पहले तालागांव, ठीक, तालागांव से ऊपर चलेंगे हिर्री माइंस, फिर ऊपर चलेंगे ठीक है, फिर आगे बोधरी करके जगह मिलेगा, फिर आगे सिरगिट्टी, फिर आगे उसके आगे फिर ठीक है, यहाँ तिफरा इसको नीचे बना देते हैं, ये इतना जगह आपको याद रखना, तालागांव, हिर्री माइंस, चकरभाटा, बोधरी, सिरगिट्टी, तिफरा और सिलपहरी के बाद बिलासपुर, बिलासपुर से आगे चले जाएंगे तो कोनी, क्या जगह कोनी, फिर आगे रतनपुर याद रखना है, और रतनपुर से आगे चले जाएंगे तो चकरबेड़ा है, ऊपर ये चकरबेड़ा और नीचे जो है वो चकरभाटा है, नीचे चले जाएंगे मंगला, नीचे चले जाएंगे सरकंडा, और इसी के बाजू में सीपत याद रखना, ये इतना जगह इधर याद रखना, याद रहेगा, याद रखते चलो वापस एक बार, सबसे पहले याद करते चलना उसको, तालागांव, हिर्री माइंस, चकरभाटा, ओदरी, सिरगिट्टी, तीफरा, सिलपहरी और बिलासपुर, आगे चले जाएंगे तो कोनी, रतनपुर, चकरबेड़ा, नीचे आ जाएंगे मंगला, सरकंडा और सीपत, सरकंडा और सीपत याद रखना, ठीक है। राइट साइड चले जाएंगे तो दगोरी, क्या जगह, और बाजू चले गए तो मस्तूरी, दगोरी और मस्तूरी याद रखना, याद रहेगा। लेफ्ट आ जाएंगे तो सबसे पहले सेलर, जगह का नाम याद करते चलो, फिर आ जाएंगे बेल गहना, जगह का नाम बेल गहना, ठीक है, नीचे आ जाएंगे कानन पेंडारी, याद आ रहे सुने नाम कानन पिंडारी, नीचे आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे क्या सकरी, नीचे आ जाएंगे तखतपुर, फिर नीचे आ जाएंगे बेलपान याद रखना, क्लियर। सेलर के नीचे बेलगहना, फिर कानन पिंडारी, फिर आ जाएंगे तखतपुर, फिर आ जाएंगे बेलपान, और इधर आएंगे तो सकरी याद रखना है, याद रहेगा, याद करते चलना है उसको। राइट में चले जाएंगे तो दगोरी, फिर मस्तूरी, फिर ये इधर आपको छोटा छोटा सब जगह याद रखना है, सबसे पहले लुथरा शरीफ, फिर आपका ढेका ग्राम, फिर बूढ़ी खार, फिर बिल्हा, ठीक है, फिर लुथरा शरीफ, ढेका ग्राम, बूढ़ी खार,
बिल्हा, फिर किरारी गोड़ी, किरारी गोड़ी और ठीक है मल्हार, ठीक, और एक जगह यहीं याद रखना है चिल्हाटी। ठीक है मैं ठीक रहे जगह दिखे करके उधर लिखा, ठीक है। लुथरा शरीफ, ढेका ग्राम, बूढ़ी कार, बिल्हा, किरारी गोढ़ी, मल्हार और चिल्हाटी याद रखना, याद रहेगा, याद करते चलो। लुथरा शरीफ जैसे ही आप बोलो तो पूरा नीचे चिल्हाटी तक याद आना चाहिए। लुथरा शरीफ, ढेका ग्राम, बूढ़ी कार, बिल्हा, किरारी गोढ़ी, मल्हार और चिल्हाटी याद आना चाहिए। ऊपर चले जाओगे तो कोटा, ऊपर चले जाएंगे तो कोटा याद रखना, ठीक। फिर ये तीन तहसील अलग हो गए, क्या गौरेला, फिर पेंड्रा रोड या पेंड्रा और मरवाही, इसी के नीचे धनपुर, क्या जगह, क्लियर, याद रहेगा। यही आपको क्या मिलेगा, अंजनी, और यही आपको पकरिया, पकरिया याद रखना। ये सारा चीज आपको गौरेला पिंडा मरवाही में याद रखना, पकरिया, अंजनी, गौरेला पिंडा मरवाही और बीच में धनपुर याद रखना, याद रहेगा, याद रहेगा जी। इधर नीचे आपका बलौदा बाजार और बिलासपुर के बीच सीमा कौन सी नदी बना रही है, शिवनाथ है ना, जो कहाँ चला जाएगा, शिवरी नारायण जाएगा आपका, याद आ रहा है, ठीक है। ये आपका कौन सा नदी, शिवनाथ नदी, छत्तीसगढ़ में कितना, याद आ रहा है, कितने जिलों में बहेगा, शिवनाथ, सात याद रखना है, ठीक है। शिवनाथ नदी यहाँ कितने देते हैं, ठीक है, याद रहेगा। यहाँ एक पहाड़ी कौन सा, पेंड्रल उर्मी का पठार, सिहावल सागर पर्वत, पेंड्रल उर्मी का पठार, सिहावल सागर पर्वत से कौन सा नदी, मनियारी नदी, किन किन जिलों के बीच सीमा, बिलासपुर और मुंगेली के बीच सीमा बनाएगी, कितना किलोमीटर, 134, याद आ रहा है, ठीक है। ये मनियारी आपका, यहाँ एक आपको याद रखना है पहाड़ी, खोडरी खोमसरा की पहाड़ी, कौन सा, खोडरी, बताया था खोडरी खोमसरा पहाड़ी, जिला कौन सा हो जाएगा, गौरेला पिंडा मरवाही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से नदी निकला और किस में आकर के मिल रहा है, किस में आके मिलेगा, शिवनाथ नदी में आके मिलेगा, कौन सा नदी, अरपा नदी, लंबाई 100 किलोमीटर, जीवन रेखा किसकी, बिलासपुर की जीवन रेखा कहलाएगी, ठीक। इसी की एक सहायक नदी कौन सा, गंग नदी, ठीक है, ये भी याद रखें, ठीक। अरपा नदी पर भैंसा झर परियोजना कौन सा, 2013 भैंसा झर प्रोजेक्ट, 2013। खारंग नदी पर खूंटा घाट या संजय गांधी परियोजना, खूंटा घाट या इसी को संजय गांधी, 1920 याद आ रहा है सब, ठीक है। बेलपान से आपका छोटी नर्मदा किस में जाके मिलेगी, मनियारी, छोटी नर्मदा, यही आपका कौन सा नदी आके मिलेगा, घोंघा नदी, कौन सा, और घोंघा पर ही कौन सा प्रोजेक्ट, घोंघा परियोजना याद रखना,
इधर से आगरा आएगा और टेसुआ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कौन से जिले में है वो भी याद रखना है। इधर आपका कोरबा पूर्व की पहाड़ी कौन सा, अरे पहाड़ी क्या नाम है, कोरबा पूर्व की पहाड़ी याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। जिला कौन सा, वहां से नदी निकला, कौन कौन से जिले की सीमा बना रहे और कहां जाके मिल रहा है, कौन सा नदी, लीलागर नदी, प्राचीन नाम निडिला नदी, लंबाई 100 याद रहे। तो बिलासपुर जिला किस किन दो नदियों के दो आप पर है, तो लीलागर और मनियारी। बिलासपुर की जीवन रेखा कौन सा है, तो अरपा नदी, लंबाई 100 याद रखना, याद रहेगा, याद रहेगा, ठीक है, याद करते चलो, ठीक है। मैप क्लियर हो रहा है सबको, साफ सुथरा दिख रहा है ना। चलो बिलासपुर जिला कब, 1861 बिलासपुर जिला और गौरेला पेंडा मरवाही आपका 10 फरवरी 2020। गौरेला पेंडा मरवाही जो है बिलासपुर को कितनी बार, चौथी बार काटा गया और काट करके एक नया जिला बनाया गया आपका, कौन सा, गौरेला पेंडा मरवाही चौथी बार कटा है भी याद रखना, ठीक है। तो ये आपके गौरेला पेंडा मरवाही के तीन तहसील हो गए, गौरेला पेंडा और मरवाही, ये अलग जिला बन गया। और बिलासपुर में आपका बिलासपुर, मस्तूरी, बिल्हा, बिलासपुर, मस्तूरी, बिल्हा, रतनपुर, कोटा, बेलगहना, वो ठीक है, और तखतपुर, कितना तहसील हो गया, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 तहसील। वो सेलर के पास टी लिखा होगा लेकिन उधर पढ़ना थ्योरी में, तहसील वो सेलर नहीं है, बेलगहना है। मैप में आप लोग को थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा, ठीक है। तो कितना, तो इतना आपको कम से कम जगह आपको याद करना पड़ेगा। देखो पहले दिन अपन पढ़े थे तो थोड़ा टफ लग रहा था, आज इजी लगा, थोड़ा सरल लग रहा है ना, तो बार बार चीज़ों को इसलिए दोहराना जरूरी है, ठीक है, उज्ज्वल याद हो रहा है। तो वापस एक बार चलते हैं, सबसे पहले हमने बनाया क्या, NH 130 149। मैप के साइड सबका ध्यान रहना चाहिए, एक NH 130, एक आपका 49, लेफ्ट में 45, नीचे 138, ऊपर जाएंगे SH 8। सबसे पहले मनियारी शिवनाथ नदी क्रॉस किए, सबसे पहले तालागांव, हिर्री माइंस, फिर चक्करबेड़ा, फिर बोदरी, फिर सिरगिट्टी, फिर तिफरा, फिर सिलपारी, फिर आ जाएगा बिलासपुर, बिलासपुर से ऊपर आपका कोनी, फिर रतनपुर, फिर चक्करबेड़ा, नीचे मंगला, सरकंडा और सीपत, सरकंडा और सीपत, नीचे आ जाएंगे 49 में दगोरी और मस्तूरी, नीचे आ जाओ लुथरा शरीफ, ढेका ग्राम, बुढ़ी खार, बिल्हा, किरारी गोढ़ी, मल्हार और लेफ्ट में चले जाएंगे सेलर, नीचे बेलगाना, कानन पिंडारी, तखतपुर और बेलपा, और साइड में सक्री याद रखना। ऊपर चले जाएंगे तो गौरेला पिंडरा मरवाही, मरवाही से जस्ट नीचे धनपुर, लेफ्ट में अंजनी और लेफ्ट में पकड़िया याद रखना, याद रहेगा, ठीक। जिला कब बना तो 1861, गौरेला पिंडरा मरवाही कब बना तो 10 फरवरी 2020, तीन तहसील वहां, 8 यहां, क्लियर, पहले दोनों एक ही थे। चले आगे, पूरा क्लियर है सब, ये जगह आपको बार बार मैप बना करके जगह याद करना है, ठीक है, चले आगे, याद करते चलना है। सबसे पहले आ जाओ तालागांव, ठीक, सबसे पहले तालागांव, तो यही क्वेश्चन करेगा कि तालागांव है किस जिले में, किस जिले में, बिलासपुर याद रखना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको ये करेगा कि जो तालागांव है वो किस नदी के किनारे है, तो मनियारी आंसर लगाना है, और किन दो नदियों के संगम पर है, तो मनियारी और शिवनाथ नदी के संगम पर है, किनारे किसके, मनियारी की, और संगम किसका, मनियारी प्लस शिवनाथ, तालागांव याद रखना,
अमेरिका पर ताला गांव पुराना नाम, क्या पूरा नाम क्या? अमेरिका पर ताला गांव पूरा नाम। जैसे ही आपको ताला गांव आज के बाद नजर आए, पांचवी छठवी और छठवी सातवीं शताब्दी याद रखना, क्या क्या? पांचवी छठवी और छठवी सातवीं शताब्दी याद रखना, पांचवी छठवी और छठवी सातवीं शताब्दी, ठीक है? ताला गांव में पांचवी छठवी और छठवी सातवीं शताब्दी याद रखना, याद रहेगा? अमेरिका पर ताला गांव पांचवी छठवी शताब्दी। छत्तीसगढ़ राज्य में पहली बार कोई मंदिर बना तो देवरानी जेठानी मंदिर, सबसे प्राचीन मंदिर। कब? देवरानी और जेठानी मंदिर अलग अलग है, शरभपुरी वंश के शासकों या उनकी रानियों के द्वारा बनाया हुआ यह मंदिर, याद रखें, देवरानी और जेठानी मंदिर याद रहेगा। कब? छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम मंदिर है, सबसे अमेरिका पर ताला गांव में देवरानी जेठानी मंदिर। और इसी मंदिर पे आप नीचे जाओगे तो छठवीं सातवीं शताब्दी में बना हुआ रुद्र शिव की प्रतिमा यहाँ मिलेगी आपको, क्या? या उसको काल पुरुष की प्रतिमा भी बोला जाता है, क्या बोलते हैं? छठवीं सातवीं शताब्दी, ठीक है? ये जो काल पुरुष की प्रतिमा बहुत आश्चर्यजनक प्रतिमा है, पूरे विश्व में ऐसी एकमात्र प्रतिमा है जो 11 अलग अलग जीवों के शरीरों के अंगों से मिलकर के बना हुआ ये प्रतिमा, याद रखना, कितने? 11। तो ताला गांव सबसे पहले तो जिला बिलासपुर, नदी के किसके किनारे? तो मनियारी नदी, संगम में मनियारी प्लस शिवनाथ, अमेरिका पर ताला गांव, पांचवी छठवी और छठवी सातवीं, पांचवी छठवी शताब्दी में देवरानी जेठानी मंदिर, किस वंश से संबंधित है? तो सरभपुरी वंश, ठीक है? और फिर छठवीं सातवीं शताब्दी में रुद्र शिव लाल, ठीक है, याद रहेगा, लाल बलवा पत्थर से बना है रुद्र शिव की प्रतिमा, 11 अलग अलग जीवों के अंगों से मिलकर के ये बना हुआ, किस वंश से संबंधित है? तो ये भी आपका शरभपुरी वंश से संबंधित है। क्लियर? क्लियर है? हिर्री माइंस और बेलपान, ये जो पूरा बेल्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ क्या मिलेगा? डोलोमाइट। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा डोलोमाइट कहाँ मिलता है? तो बिलासपुर। सबसे ज्यादा चूना पत्थर? बलौदा बाजार। लोहा? दंतेवाड़ा। कोयला? कोरबा। बॉक्साइड आपका पाट प्रदेश, याद आ रहा है? तो हिर्री माइंस और बेलपान में डोलोमाइट, और मस्तूरी चिल्हाटी में चूना पत्थर, मस्तूरी चिल्हाटी में चूना पत्थर, दो खनिज याद रखना है, मस्तूरी चिल्हाटी में चूना पत्थर, मस्तूरी चिल्हाटी में चूना पत्थर, और हिर्री माइंस और बेलपान में आपका डोलोमाइट, हिर्री माइंस और बेलपान में डोलोमाइट याद रखना है, हिर्री माइंस और बेलपान में मस्तूरी चिल्हाटी, मस्तूरी चिल्हाटी में चूना पत्थर, याद रहेगा। फिर आ जाओ चक्करभाटा, ठीक है, यहाँ क्या है? हवाई पट्टी, और अभी एक नया क्या बन गया आपका? हवाई अड्डा, क्या नाम? बिलासा बाई के नाम पर एक हवाई अड्डा यहाँ आपको मिलेगा, बिलासा बाई एयरपोर्ट, यह हवाई अड्डा याद रखना। फिर आ जाओ बोदरी, क्या? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का उच्च न्यायालय, जो कि देश का 19वां न्यायालय, तो आज के बाद 19 न्यायालय, सन 2000 में बना है ये छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट, कहाँ है? इसीलिए बिलासपुर को छत्तीसगढ़ की न्यायधानी के नाम से भी जाना जाता है, बिलासपुर की न्यायधानी। फिर आ जाओ सिरगिट्टी, तीफरा, सिलपहरी, इधर सेलर, इधर दगोरी, ये पूरा बेल्ट जो आपको दिख रहा है सारा क्या है? औद्योगिक विकास केंद्र है, ये सारा क्या है? औद्योगिक विकास केंद्र, याद रखना, सिरगिट्टी, तिफरा, सिलपहरी, सेलर और दगोरी, इधर आपका गौरेला पंडा मरवाही में अंजनी औद्योगिक विकास केंद्र, अंजनी औद्योगिक विकास केंद्र आपका गौरेला पंडा मरवाही जिले में, ठीक है? वापस एक बार, सिरगिट्टी, तिफरा, सिलपहरी, सेलर, दगोरी, ये सारा आपका क्या? औद्योगिक विकास केंद्र, और गौरेला पंडा मरवाही में आपका अंजनी, ठीक है, याद रहेगा जी, याद रहेगा। बिलासपुर तहसील और साथ ही साथ जिला मुख्यालय याद रखना, याद रहेगा, याद रहेगा। जैसे ही बिलासपुर दिखे 1944, 78, 83,
87A 3 और 12 1944 78 83 87 1 3 और 12 याद करो, ये पूरा डेट याद हो जाना चाहिए, यहीं से प्रश्न आएगा आपका। 1944 78 83 87 1 3 और 12 1944 78 83 87 1 3 और 12 याद रहेगा। बिलासपुर अगर दिखा मतलब ये डेट याद आना ही चाहिए, 1944 78 83 87 1 3 और 12 1944 में SBR कॉलेज, क्या शिव भगवान रामेश्वर दयाल कॉलेज, क्या नाम SBR कॉलेज का निर्माण किया गया था। अब इसका नाम चेंज करके जमुना प्रसाद वर्मा महाविद्यालय हो गया, क्या हो गया, जमुना प्रसाद वर्मा महाविद्यालय SBR कॉलेज, शिव भगवान रामेश्वर दयाल कॉलेज, अब क्या नाम हो गया, क्या नाम हो गया, जमुना प्रसाद वर्मा। फिर आ जाओ 1978 में, यहाँ राउत नाचा महोत्सव फेमस है, क्या फेमस, प्रतिवर्ष राउत नाचा महोत्सव लगाते हैं, लगता है बिलासपुर में, किया जाता है, मनाया जाता है। तो 1978 में पहली बार मनाया गया था और प्रतिवर्ष मनाया जाता है, याद रहेगा, क्या, राउत नाचा महोत्सव। फिर आ जाओ 1983 गोपाल नगर करके एक जगह है जहाँ रेमंड सीमेंट प्लांट, कब, रेमंड सीमेंट प्लांट, रेमंड सीमेंट 1983। फिर आ जाओ 1987 SECL, क्या जगह, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ये प्लांट एक इकाई यहाँ काम कर रही है, एक विश्रामपुर, कहाँ है, सूरजपुर में याद रखना है, सूरजपुर जिला, एक आपको विश्रामपुर याद रखना है, याद रहेगा विश्रामपुर। तो SECL साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, CIL एक महारत्न कंपनी है, क्या, CIL ना महारत्न कंपनी है, CIL कोल इंडिया लिमिटेड के अधीन ये रह करके काम करेगा और इसका काम है कोयले का उत्खनन, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, दो इकाई काम करेगा छत्तीसगढ़ में, एक आपका बिलासपुर और एक विश्राम, क्लियर, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड याद रखना, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। सन 2001 सिम्स, ठीक है, सिम्स बिलासपुर, छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है, छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सिम्स बिलासपुर, कब, सन 2003 छत्तीसगढ़ का रेलवे मुख्यालय बिलासपुर, बिलासपुर रेलवे जोन, ठीक है, याद रखना, कब, 2003 से भारत का 16वां रेलवे मुख्यालय। तो आज के बाद 16 रेल 19 नालय याद रखना, क्योंकि भारत का 16वां रेलवे मुख्यालय आपका बिलासपुर, और छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भी बिलासपुर, छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा, ऐसे कौन सा है भारत का, सर्च करके आओ इसको, गोरखपुर, ठीक। फिर 2012 स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया। तो ये आपको पूरा डेट आपको याद रखना है, ठीक है, यूनिवर्सिटी। सबसे पहले वापस एक बार बिलासपुर आया, 1944 78 83 87 1 3 और 12 44 में SBR कॉलेज, अभी नाम जमुना प्रसाद वर्मा, ठीक। फिर आ जाओ 78 में राउत नाचा महोत्सव, राउत नाचा महोत्सव 1978 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। 83 में गोपाल नगर, गोपाल नगर में रेमंड सीमेंट प्लांट। फिर 87 में SECL साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, दो इकाई काम करेगा, एक बिलासपुर एक विश्रामपुर, 87। फिर ठीक है, फिर आपका 2001 सिम्स बिलासपुर, छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। फिर 2003 छत्तीसगढ़ का रेलवे जोन, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर को रेलवे मुख्यालय बनाया गया, कब, जो कि भारत का 16वां रेलवे जोन। और 2012 में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय याद रखा, याद रहेगा, बिलासपुर छत्तीसगढ़ की न्यायधानी भी कहलाती है,
बिलासा बाई केवटीन, क्या नाम? उस बिलासा बाई केवटीन के नाम पर इस जगह का नाम बिलासपुर। याद रहेगा? याद रखना है। बिलासपुर में और भी बहुत सारी चीजें, जैसे ब्रेल लिपि प्रेस है। क्या है? ब्रेल लिपि प्रेस। यहीं लगरा करके एक जगह है। क्या? लगरा। वहां ट्रैफिक पार्क बनाया जा रहा है। क्या? ट्रैफिक पार्क, लगरा। रहंगी, रहंगी में पक्षी विहार। पहला किधवा और दूसरा पक्षी विहार आपका रहंगी। ये सब छोटा छोटा जगह आपको बिलासपुर के अंदर याद रखनी है। लिखा नहीं हो जगह का, रहंगी बिलासपुर, ठीक है। छत्तीसगढ़ की राजधानी, और आपको यहाँ छत्तीसगढ़ का शिवकाशी भी कहलाता है, ठीक है। क्योंकि जो तमिलनाडु में शिवकाशी है वहाँ भारी उद्योग है, गोला बारूद सब वहाँ बनता है। हम तो गोला बारूद तो नहीं बना पाएंगे, कम से कम माचिस से ही बना लेते हैं। तो माचिस को दिया सलाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर छत्तीसगढ़ का दिया सलाई उद्योग पूछा जाए या माचिस उद्योग पूछा जाए तो बिलासपुर, और उसी नाम से छत्तीसगढ़ का शिवकाशी भी आपको बिलासपुर याद रखना। शिवकाशी याद रहेगा, ये सारा चीज आपको बिलासपुर। फिर आ जाओ कोनी, जैसे ही कोनी नजर आए आपको फिर आपको डेट आ जाएगा 1904, 83 के बाजू में 2009 और आ जाएगा 2005। 1904, 83, 9 और 5, 83, 9 एक साथ, 1904, 83, 9 और 5। 1904 छत्तीसगढ़ का फर्स्ट ITI, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। छत्तीसगढ़ का फर्स्ट ITI कब बना पूछा जा चुका है, कब? तो 1904 फर्स्ट ITI ऑफ छत्तीसगढ़। फिर 1983 में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बना 1983 में, लेकिन उसको केंद्रीय दर्जा 2009 में दिया गया। अब गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया। क्या हो गया? सेंट्रल यूनिवर्सिटी। जब 2009 में वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना तो उसका लोड बहुत ज़्यादा हो गया, काम ज़्यादा हो गया, क्योंकि पहले राज्य का था, अब सेंट्रल पूरे भारत देश के लोग आ रहे हैं। तो उसी का लोड कम करने के लिए एक नया यूनिवर्सिटी बनाया गया 2012 में, कौन सा? अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी, उसी का लोड कम करने के लिए। ये दोनों याद रखना। और 2005 में पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, फ्री यूनिवर्सिटी। कितना आपको कम से कम कोनी में याद रखना है? 1904, 83, 9 और 5। 1904 में ITI छत्तीसगढ़ का पहला ITI, ठीक। 1983 में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय केंद्रीय दर्जा 2009, और 2005 में पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय 2005। फिर आ जाओ रतनपुर, ठीक। रतनपुर याद रखना है, जैसे ही रतनपुर आया 1050 याद होना चाहिए, या 11वीं शताब्दी, 1050 ईस्वी AD और 11वीं शताब्दी। इस 11वीं शताब्दी में कलचुरी वंश के राजा, कौन? कलचुरी वंश के राजा, राजा रत्नदेव या रत्नराज प्रथम, रत्नदेव या इसी को रत्नराज भी बोला जाता है, उनके द्वारा बसाया हुआ शहर। कब? 1050 या 11वीं शताब्दी। छत्तीसगढ़ का एकमात्र स्थल है जिसका चारों युगों में नाम मिलता है, चारों युगों में, इसीलिए इसको चतुर्युगीपुरी के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से? चतुर्युगीपुरी के नाम से भी इनको जाना जाता है, याद रखना। याद रहेगा? सतयुग में नाम मणिपुर, क्या नाम? द्वापर युग में हीरापुर, त्रेता युग में माणिकपुर, और कलयुग में रतनपुर। याद रखना, सतयुग में मणिपुर, द्वापर युग में हीरापुर, त्रेता युग में माणिकपुर, और कलयुग में, परंतु कलचुरी काल में कुबेरपुर के नाम से भी जाना जाता था। क्या नाम? कुबेर। ये भी याद रखना है, सब याद रखना है आपको। चतुर्युगीपुरी कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, हो सकता है मेंस में पूछ ले, चतुर्युगीपुरी के बारे में लिखिए, तो किसके बारे में लिखना है? रतनपुर के बारे में। याद रहेगा? टंकियों का शहर और तालाबों की नगरी, क्या? तालाबों की नगरी कहलाती है रतनपुर। टंकियों का शहर, तालाबों की नगरी, रतनपुर। याद रहेगा? याद रखना है।
1050 कलचुरी वंश के राजा राजा रत्नदेव प्रथम के द्वारा बसाया हुआ शहर। और जब उन्होंने ये शहर बसाया उसी साल या उसी समय 1050 में यहाँ सबसे पहले महामाया माता का मंदिर बना। देखो याद रखना, महामाया माता मंदिर रतनपुर में, ठीक है, महामाया माता मंदिर याद रखना, ठीक है। रतनपुर छत्तीसगढ़ की पहली राजधानी थी, अभी याद रखना, छत्तीसगढ़ की 1818 में एगेन्यू, न्यू रायपुर सुना, वैसी न्यू से एगेन्यू रायपुर याद रखना, ठीक है ना, ऐसा न्यू रायपुर याद रखना है, न्यू रायपुर, तो न्यू से एगेन्यू, एगेन्यू ने 1818 में कब रतनपुर से राजधानी ट्रांसफर करके कहाँ ले आया, तब से रायपुर राजधानी है, पहले क्या था रतनपुर राजधानी, ठीक है, याद रहेगा। रत्नदेव प्रथम के द्वारा सबसे पहले यहाँ महामाया माता मंदिर, क्या महामाया माता मंदिर याद रखना। दूसरा, 12वीं शताब्दी में बना एकवीरा या लखनी मंदिर, कौन सा मंदिर, कलचुरी वंश के ही राजा राजा रत्नदेव तृतीय के सामंत का नाम याद रखना, गंगाधर राव, क्या नाम, उनके द्वारा यह बनाया हुआ मंदिर एकवीरा मंदिर या 12वीं शताब्दी में बनाया हुआ मंदिर, क्या नाम, कौन बनवाया, सामंत गंगाधर राव को भी याद रखना है, एकवीरा या लखनी मंदिर, दूसरा एकवीरा मंदिर या लखनी मंदिर याद रखना, पहला महामाया, ठीक है, दूसरा एकवीरा या लखनी मंदिर, तीसरा यही आप आगे जाओगे तो राम टेकरी मंदिर, क्या मंदिर, राम टेकरी, प्रथम मराठा शासक, छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक बिंबाजी भोसले के द्वारा बनाया हुआ मंदिर, क्या मंदिर, राम टेकरी मंदिर, टेकरी पहाड़ी को टेकरी बोलते हैं, पहाड़ पर है इसलिए राम टेकरी मंदिर, छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक, नाम क्या, भोसले के द्वारा बनाया हुआ मंदिर राम टेकरी मंदिर। फिर आगे चले जाओगे आपको मिलेगा सती चौरा, क्या मिलेगा, 18वीं शताब्दी में जो बिंबाजी भोसले थे उनकी तीन पत्नियां उमाबाई रमाबाई और आनंदीबाई, क्या क्या नाम, उमाबाई रमाबाई और, तो जब बिंबाजी भोसले की मृत्यु हुई तो उमाबाई उनके साथ सती हुई और उन्हीं की याद में उन क्या बनाया गया है, सती चौरा, याद रहेगा सती चौरा। आगे यहीं चले जाओगे आपको मिलेगा गज किला, क्या मिलेगा, गज किला, सब रतनपुर में ना, उसको भी कलचुरी वंश के शासकों ने बनवाया, उस गज किला में रावण की ऐसी मूर्ति है जो स्वयं का गला काट रहा है, याद रखना है गज किला, कौन सा वंश, कलचुरी वंश। आगे चले जाओगे आपको मिलेगा बादल महल, क्या मिलेगा, कलचुरी वंश के राजा राज सिंह के द्वारा बनाया हुआ बादल महल, कलचुरी वंश के राजा राज सिंह के द्वारा बनाया हुआ बादल महल, कहाँ, रतनपुर। आगे चले जाओगे तो आपको हजरत मूसे खां की दरगाह, क्या नाम, हजरत मूसे खां की दरगाह रतनपुर, कंठी देउल मंदिर, तुलजा भवानी माता मंदिर, ये सब आपका कहाँ, रतनपुर। चतुर्योगीपुरी, ठीक है, एक तो महामाया माता मंदिर, ठीक है, एक वीरा मंदिर या लखनी मंदिर, राम टेकरी मंदिर, सती चौरा, रतनपुर गज किला, ठीक है, बादल महल, रतनपुर का विशाल तालाब भी याद रखना है, कलचुरी वंश के राजा पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा उसको बनाया गया, ये बहुत कन्फ्यूजन होगा ये, तो बार बार वीडियो देखना है और बार बार इसको रिवाइज करना है तब जाके याद होगा, याद करो लेकिन अभी याद करना है उसको, सबसे पहले महामाया मंदिर, ठीक है, फिर आपका एक वीरा मंदिर या लखनी मंदिर, तीसरा आपका, ठीक है, राम टेकरी मंदिर, चौथा आपका सती चौरा, सती चौरा, फिर आगे गज किला, क्या जगह, गज किला, फिर आगे बादल महल, बादल महल, फिर आगे विशाल तालाब, याद रखना,
फिर हजरत मूसे खां की दरगाह, मूसे खां की तुलजा भवानी माता मंदिर, क्या कंठी देउल मंदिर, क्या ये सब आपको याद रखना, लगभग 10 चीजें याद करो, कंठी देउल मंदिर और भी चीजें हैं, ठीक है, लेकिन ये मेन है, यहीं से प्रश्न आपका पूछा जाएगा। सबसे पहले महामाया माता मंदिर, कौन सा वाइस, कौन सा राजा, रत्नदेव प्रथम के द्वारा बनाया हुआ शहर भी बसाया हुआ है और मंदिर को भी उनके द्वारा। फिर आपको आगे जाओगे तो एक वीरा मंदिर या लखनी मंदिर, कलचुरी वंश के राजा रत्नदेव तृतीय के द्वारा बनाया हुआ, गंगाधर राव, ये आपका रत्नदेव तृतीय के सामंत गंगाधर राव। फिर आपका राम टेकरी मंदिर बिंबाजी भोसले के द्वारा बनाया हुआ मंदिर, सती चौरा किसकी याद में, किसकी, उमाबाई की याद में, ठीक है, याद रहेगा। फिर आपको गज किला कौन सा वंश, यह रावण की, ठीक है, स्वयं का गला काटते हुए मूर्ति, बादल महल कलचुरी वंश के राजा राज सिंह के द्वारा बनाया हुआ महल। फिर रतनपुर का विशाल तालाब कलचुरी वंश के राजा पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा बनाया हुआ, ये सबको आपको सिर्फ नाम याद रखना है। हजरत मूसे खां की दरगाह, कंठी देउल मंदिर, तुलजा भवानी माता मंदिर, भैरव बाबा मंदिर, ये सब आपका रतनपुर। चतुर्युगी पुरी, सतयुग में मणिपुर, द्वापर युग में हीरापुर, त्रेता युग में माणिकपुर और कलयुग में कलचुरी काल में कुबेर, याद रहेगा सब आपका रतनपुर। एक बार और बता रहा हूँ, फिर से सुनो, कलचुरी वंश के राजा रत्नदेव प्रथम के द्वारा बसाया गया और महामाया माता का मंदिर बनाया गया, ठीक, पहला महामाया माता का मंदिर आप जा करके देख सकते हो। फिर दूसरा आपको एक वीरा या लखनी मंदिर, कलचुरी वंश के राजा रत्नदेव तृतीय के सामंत गंगाधर राव के द्वारा। फिर आगे जाएंगे आपका क्या, राम टेकरी मंदिर, छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक बिंबाजी भोसले के द्वारा बनाया हुआ मंदिर। फिर आ जाओगे सती चौरा, ठीक है, इसी बिंबाजी भोसले की पत्नी उमाबाई जब उनके साथ सती हो गई तो उनकी याद में बनाया हुआ सती चौरा। गज किला रावण की ऐसी मूर्ति है जो स्वयं का गला काट रहा है, किस वंश से संबंधित है, तो कलचुरी वंश। फिर आपका बादल महल, कलचुरी वंश के राजा राज सिंह के द्वारा बनाया हुआ बादल महल, पूछा हुआ क्वेश्चन है सब। फिर आप रतनपुर का विशाल तालाब, कलचुरी वंश के राजा पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा बनाया हुआ तालाब। फिर हजरत मूसे खां की दरगाह, तुलजा भवानी माता मंदिर, कंठी देउल मंदिर और भैरव बाबा मंदिर, कम से कम इतना याद रहेगा जी। चक्कर बेड़ा, सातवाहनकालीन रोम के सिक्के मिले यहाँ से, सातवाहनकालीन रोम के, तो ऐसा माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं सातवाहन काल के लोग रोम से व्यापार किया रहे, पकड़ में थोड़ी दे देंगे सिक्का, तो याद रखना है सातवाहन काले रोम के सिक्के कहाँ से मिले, तो चक्कर बेड़ा, याद रखना है। मंगला सन 2002, मंगला 2002, महर्षि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, छत्तीसगढ़ का फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी फर्स्ट ये है सन 2002, महर्षि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, महर्षि इंस्टीट्यूट ऑफ मंगला 2002। सरकंडा, ठीक है, पशु प्रजनन केंद्र, क्या है, पशु प्रजनन केंद्र, सरकंडा में पशु प्रजनन केंद्र, सरकंडा में पशु प्रजनन केंद्र। फिर आ जाओ सीपत, आज के बाद जब भी आपको एनटीपीसी नजर आए, क्या, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, तो एनटीपीसी जसला बोलना है, क्या बोलना है, एनटीपीसी, एनटीपीसी जसला, कोड याद कर लिया रहो, एनटीपीसी जसला, एनटीपीसी जसला, याद रहेगा। ज से जमनी पाली, ठीक है, ज से कोरबा, जमनीपाली कहा है तो, स से सीपर कहा है तो, ला से लारा, लारा कहा है तो रायगढ़, जमनीपाली कोरबा, सीपत बिलासपुर और लारा रायगढ़, तीन जगह एनटीपीसी का प्लांट, एनटीपीसी
जसला बोलना है, एनटीपीसी जसला, एनटीपीसी एनटीपीसी जसला, जस से से ला 78 83 78 2 8 78 83 2 8 2014 19 20 डेट याद होना चाहिए 78 83 2 8 2014 19 20 एनटीपीसी जसला, एनटीपीसी जसला। तीन जगह, जैसे जमनीपाली में एक प्लांट है जो कि कोरबा में है, सबसे सीपत में एक प्लांट है जो कि बिलासपुर में है, और लारा, लारा कहाँ है, एनटीपीसी जसला 78 83 2 8 और 2014 19 20। 2600 मेगावाट बिजली उत्पादन, कितना 2980 मेगावाट बिजली उत्पादन, और लगभग 4000 करने की योजना है, लेकिन 800 और 800 शुरू हुआ है तो कितना हो गया 1600 शुरू हो गया। 2019 में 800 हुआ था और 2020 में 800, तो ये 2600 मेगावाट, 2980 मेगावाट और 4000 किए जाने की योजना है, लेकिन अभी 1600 मेगावाट चालू हो गया। इतना आपको याद रखना है किससे। अब आपको प्रश्न पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ का पहला एनटीपीसी कहाँ, जमनीपाली, कब 78, उत्पादन कब 83, कितना मेगावाट 2600 मेगावाट, ठीक है याद रहेगा। इसके अंदर और एक स्टेप है, पर नहीं बता रहा हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे कितना कितना यूनिट है उसको नहीं बता रहा हूँ, उसको बुक में लिखा है उसको देखना है। फिर 2002 में कौन सा सबसे सीपत का प्लांट लगाया गया 2002 में, और 2008 से उत्पादन शुरू, कितना मेगावाट 2980, और लारा में 2014 उत्पादन कब 1920 19 में 800 और 20 में लग, और कितना टोटल किए जाएंगे फ्यूचर में 4000 मेगावाट किए जाने की योजना है, याद रखना। अभी 1600 हो गया, एनटीपीसी जसला, एनटीपीसी जसला 78 83 2 8 और 2014 19 20 78 83 2 8 2014 19 2600 2980 और 4000 4000 में 16 आपका 19 सॉरी 8 आपका चालू हो गया, एनटीपीसी जसला, एनटीपीसी जसला याद रखना, ठीक है। यहाँ एकदम हाई टेक्नोलॉजी का बॉयलर भी लगा है, वो भी याद रखना है, पूछा है कभी। बॉयलर क्या होता है, मेन अपन क्या करते हैं, कोयला यूज करते हैं, थर्मल पावर प्लांट है ना, ठीक, पानी को गर्म करेंगे कोयले से, फिर उसका जो स्टीम निकलेगा तो वो जो जिससे स्टीम बनता है ना कुकर, वही बॉयलर है समझ लो, पानी गर्म करते हो तो निकलता है ना, वैसे ही बड़ा रूप है, ठीक। मस्तूरी और चिल्हाटी में लुथरा शरीफ सैयद बाबा इंसान अली शाह की दरगाह है, भर दो झोली वाला गाना सुने हो ना, बजरंगी भाईजान, वैसी है भी, ठीक है। यहाँ मान्यता है कि बिल्कुल जहाँ जाओगे तो मन्नत पूरा होगा आपका, जा कर के आओ, नौकरी तो चाहिए और भगवान का साथ भी चाहिए, है ना, तो जहाँ से जिस भी धर्म के भगवान से मिले ले लो, ठीक है। तो लुथरा शरीफ याद रखना, सैयद बाबा, मैं खुद गया हूँ यहाँ, ठीक, जा कर बहुत अच्छा लगा। फिर आपको ढेका ग्राम, कनोई या ओरियन पेपर मिल, छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगह अलग अलग पेपर मिल, मध्य भारत और ब्रुक बॉन्ड पेपर मिल चापा, मध्य भारत और ब्रुक बॉन्ड पेपर मिल चापा, चापा कहाँ, जांजगीर चापा, मध्य भारत और ब्रुक बॉन्ड पेपर मिल चापा, कनोई, देखो इसका ये जो कनोई पेपर मिल पहले नाम था, फिर ओरियन पेपर मिल हो गया, अब इसका नाम, इसका भी नाम ब्रुक बॉन्ड पेपर मिल हो गया है, कनोई या ओरियन, और अब क्या नाम हो गया है, ब्रुक बॉन्ड पेपर मिल कहाँ, ढेका ग्राम, धन लक्ष्मी पेपर मिल डोंगरगढ़ राजनांदगांव, धन लक्ष्मी, और हनुमान एग्रो पेपर मिल कहाँ, गोबरानवा, ये सब याद रखना है। मध्य भारत और ब्रुक बॉन्ड चापा, मध्य भारत और ब्रुक बॉन्ड चापा, कनोई या ओरियन, अब क्या नाम हो गया है, ब्रुक बॉन्ड, कहाँ, ढेका ग्राम, धन लक्ष्मी डोंगरगढ़, और हनुमान एग्रो गोबरानवा, ये सब आपको याद रखना है, क्या पेपर मिल। फिर बूढ़ी खा, ठीक, सात वाहन कालीन लेख युक्त प्रतिमा मिला, लिखा हुआ है बकायदा सात वाहन कालीन, क्या, कहाँ से,
बूढ़ी खा, ठीक है। बिलासपुर तहसील तो है परंतु विकास खंड नहीं है, तहसील तो है पर, तो बिलासपुर विकास खंड जो है वो बिलह के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत, इसीलिए बिलह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विकास खंड, सबसे बड़ा विकास कौन सा, बिलह, याद रखना। किरारी गोड़ी कल्चुरी कालीन शिव मंदिर कहाँ, अब आ जाओ लास्ट में मल्हार, किस नदी के किनारे, लीला करिया नीटला नदी के किनारे, शरभपुरी वंश के राजा हुआ करते थे प्रसन्न मात्र, कौन, उनके द्वारा बसाया गया और नाम रखा गया प्रसन्नपुर, क्या नाम रखा गया, प्रसन्नपुर। उसके बाद में ये मल्लाल पत्तन हो गया, क्या हो गया, और बाद में क्या हो गया, मल्लाल, कौन बसाया, कौन सा वंश, शरभपुरी वंश के राजा के द्वारा बसाया। डिडिनेश्वरी मंदिर पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या मंदिर, डिडिनेश्वरी मंदिर, पतालेश्वर मंदिर और चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा, क्या नाम, डिडिनेश्वरी मंदिर, पतालेश्वर मंदिर और चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा यहाँ है। जो चतुर्भुजी विष्णु की जो प्रतिमा है छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन प्रतिमा है, लेकिन प्राचीन मंदिर कौन सा है, दोनों में अंतर है, मंदिर पूछा जाए तो देवरानी जेठाई और सबसे प्राचीन प्रतिमा पूछा जाए तो चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा, ऐसा लेटे हुए विष्णु जी, हम फोटो डाला हूँ बुक में, जाकर पढ़ना है, चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा याद हो जाना चाहिए, कल आओगे तो समझ में आ रहा है। सब काम छोड़ के सिर्फ आज बिलासपुर इस पढ़ना है, समझ रहे हो ना, ऐसा लगना चाहिए बिलासपुर में पहुँच गया हो टाइप का। डिडिनेश्वरी मंदिर, पतालेश्वर मंदिर और चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा यहाँ से मिली, कहाँ से, मल्हार, प्राचीन नाम प्रसन्नपुर, फिर क्या हुआ, मल्लाल पत्तन और फिर अब शरभपुरी वंश, याद रखना, ठीक है। बालपुर और मल्हार, बाम याद रखना है, बाम, बालपुर और मल्हार, ठीक है। जब पीड़ा होती है तो क्या लगाते हो, लगाते हो ना, पी से अपीलक को याद रखना, क्या, ये पी से वही पीड़ा से बाम, ऐसा याद रख सकते हो। सातवाहन काल के राजा अपीलक की मुद्रा यहां से मिली है, एक तो बालपुर, बालपुर जांजगीर चापा और मल्हार आपका बिलासपुर, मल्हार आपका, दो जगह से सातवाहन कालीन राजा, क्या नाम, राजा अपीलक की मुद्रा यहां से प्राप्त हुई है, याद रहेगा, याद करना है। मल्हार किस नदी के किनारे, तो लीलागढ़ नदी के किनारे, याद रहेगा। सेलर औद्योगिक विकास केंद्र, बेलगहना तहसील, कानन पिंडारी जू है, चिड़ियाघर है, सकरी नया क्या बन गया, तहसील बन गया, तखतपुर तहसील, कलचुरी वंश के राजा तखत सिंह के द्वारा बसाया हुआ 17वीं शताब्दी में बसाया हुआ शहर, क्या नाम, तखत, तखत सिंह के द्वारा बसाया हुआ शहर, याद रहेगा। फिर आ जाओ बेलपांच, सीता कुंड है और छोटी नर्मदा नदी का उद्गम है, तो बेलपांच को छत्तीसगढ़ का छोटा मरकंटक कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ठीक है। एक घोंघा नदी और घोंघा नदी पर घोंघा परियोजना, घोंघा नदी पे खोडी खोंगसरा की पहाड़ी, जिला गौरेला पिंडा मरवाही, कौन सा नदी, अर्पा किसकी सहायक, सुनार, अर्पा नदी पर भैंसा झर परियोजना, अर्पा नदी बिलासपुर की जीवन रेखा, उसकी सहायक नदी खारंग, खारंग पर आपको बताया था 1920 में और यहाँ आपको 1930 में मनियारी नदी पर खुड़िया रंगे, वो संजय गांधी और ये नीचे वाला राजीव गांधी, 1920-1930 संजय गांधी राजीव गांधी, 1920 में आपका खारंग नदी पर खूटा घाट परियोजना, उसका नाम हो गया है संजय गांधी, ठीक है। और आपका 1930 मनियारी नदी पर खुड़िया रानी परियोजना, जिसका नाम क्या है, राजीव गांधी, तो 1920-1930 याद रखना, याद रहेगा। फिर गौरेला पिंडा मरवाही आपका ये तहसील हो गया, ठीक है, याद रखना है। धनपुर यहाँ का पुरातात्विक स्थल है, धनपुर पुरातात्विक स्थल और भस्मासुर गुफा कहाँ, धनपुर। अंजनी यहाँ औद्योगिक विकास केंद्र, पकरिया यहाँ बकरी प्रजनन केंद्र, बकरी प्रजनन केंद्र याद रखना।
मरवाही ये भालू क्षेत्र है, जामवंत परियोजना चल रहा है, बताया था आपको, जामवंत परियोजना भालू क्षेत्र है। पिंडरा सन 1900 क्या, छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र, छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन यहां से, छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन यहां से किया गया, कब, 1900। माधवराव सप्रे और पंडित रामराव चिचोलकर उसके संपादक, माधवराव सप्रे और पंडित रामराव चिचोलकर के द्वारा छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र सन 1900 में इसी पेंडर रोड गौरेला पिंडा मरवाही से किया गया था, याद रखना। और रविन्द्रनाथ टैगोर भी यहाँ आए थे, अभी याद रखना। तो इतना लगभग आपको बिलासपुर में याद रखना, याद रहेगा। तो हालांकि आपका एक क्लास थोड़ा लंबा गया है, लेकिन एक ही वीडियो में मैं कोशिश किया हूँ क्लास में कि आपको बता दूँ, तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा, यूट्यूब में मैं डाल दूंगा, तो उसको एक बार नहीं 1000 बार देखो, लेकिन कल याद हो जाना चाहिए।